हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम एग्जांपल नंबर 50 करेंगे। एग्जांपल नंबर 50 क्या दिया? स्टेट वेदर द आर्ग्यूमेंट गिव इन ब्लू वैलिड और नॉट वैलिड। ठीक है, हमें एक आर्ग्यूमेंट दिया हुआ, इसको हमें बताना ये आर्ग्यूमेंट वैलिड है या कैसा है, नॉट वैलिड है। इफ इट इज वैलिड आइडेंटिटी द टोटोलॉजी यूज्ड। यदि ये वैलिड है तो मतलब टोटोलॉजी यूज करना हमें, मतलब टेबल बनानी। वही वैलिड कब होता है? जब वो स्टेटमेंट सारे क्या आ जाएं, ट्रू आ जाएं, तो वो टोटोलॉजी हो जाएगा। टोटोलॉजी हो जाएगा तो आर्ग्यूमेंट कैसा हो जाएगा? वैलिड हो जाएगा। अब देखिए क्या दिया इन्होंने, आई विल बिकेम फेमस, मैं फेमस होना चाहता हूँ। ठीक है, और आई विल बी ए राइटर। ठीक है, तो कितने स्टेटमेंट दिए यहाँ पे? दो स्टेटमेंट दिए। एक तो क्या दिया, आई विल बिकेम फेमस और आई विल बी राइटर। ठीक है, बीच में क्या लगाया इन्होंने? और लगाया। तो मैं इस स्टेटमेंट को तो क्या मान लूंगा, पी, और इसको क्या मान लूंगा, क्यू। आई विल नॉट बी ए राइटर, तो ये नेगेशन दे रखा किसका, क्यू का। भाई ये वाला हमारा स्टेटमेंट क्या है, पी है, और दूसरे वाला क्या है, क्यू। तो इसका नेगेशन ही दे रखा क्या ये, आई विल बी ए राइटर, उसमें क्या है, आई विल नॉट बी अ राइटर। आई विल बिकेम फेमस, ठीक है, फिर ये दे रखा दोबारा से। तो देखिए यहाँ देखो भाई, पी बराबर मैंने मान लिया, इक्विवेलेंट का साइन होता है, तीन बार ऐसे लगा देते हैं। तो जो पी है हमारा क्या दे रखा, आई विल बिकेम फेमस, क्यों क्या दे रखा, आई विल बी ए दे रखा हो, यार ये शायद हटा रखा हो, देख लेना जैसा भी है, शायद ये नहीं दे रखा है ना, देखना बुक में, ए नहीं दे रखा ना यहाँ पे, चलो कोई नहीं, हाँ तो दे नहीं रखा, हाँ क्यों, इसे हमने क्या मान लिया, क्यों मान लिया। तो यहाँ देखिए, दे गिव इन आर्ग्यूमेंट इन सिंबोलिक फॉर्म। तो जो भी हमें आर्ग्यूमेंट दे रखा है, इसको हम किस में लिखेंगे, सिंबल, सिंबोलिक फॉर्म में लिखेंगे, मे बी रिटन एज, ऐसे लिख सकते हैं। ये क्या दे रखा भाई, ये स्टेटमेंट हमारा क्या था, पी, बीच में क्या है, और, तो बीच में क्या आएगा, और आएगा, आई विल बी राइटर, ये क्या था हमारा, क्यू। ये बताना नेगेशन किसका था भाई, ये जो नेगेशन था किसका था, क्यू का, तो यहाँ नेगेशन कितना आएगा, क्यू आएगा। ठीक है, एस प्रीमाइस, एस प्रीमाइस, फिर देखना यहाँ क्या दिया, I will become famous. तो ये P क्या है हमारा, I will become famous. ये हमारा ये conclusion निकल के आया यहाँ पे, इसलिए का sign लग रहा होगा यहाँ पे, book में देखो, इसलिए का sign लग रहा होगा। यदि ये है तो ये होता है, यदि ये statement है तो ये आता है, तो ये इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या निकल के आया हमारा, conclusion निकल के आया। तो ये हमारा argument है। कल हमने एक ऐसा question किया, किसी आर्ग्यूमेंट को क्या दिखाना हो हमें, वैलिड दिखाना हो, तो ये वाला स्टेटमेंट लीजिए और इसका इसका एंड लीजिए और ये इम्प्लाइज पी दिखा दीजिए और उसको क्या दिखा दीजिए, टोटोलॉजी दिखा दीजिए, तो गिवन स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा हमारा, वैलिड हो जाएगा। भाई इसको लिखने का तरीका, द गिवन स्टेटमेंट, ठीक है, दैट इज कौन सा स्टेटमेंट, ये इसको लिखने का तरीका क्या है, ये जो लिखे गए हमारे वर्टिकल लिखे गए है ना, और फिर ये पी लिखा गया, तो इसको ये लिखने का तरीका होता है। ठीक है, और इसी को ही क्या क्या लिखते हैं हम, इस सारे को ही क्या लिखते हैं, सारे स्टेटमेंट को, पी और क्यू एंड नेगेशन ऑफ क्यू, बस यहाँ पे क्या आ जाता है, इम्प्लाइज आ जाता है, इसे क्या दिखाना, टोटोलॉजी। तो ये हमें किससे दिखाएंगे, ठीक है, द ट्रूथ टेबल से लिख देना यहाँ पे, ट्रूथ टेबल फोर, इसके लिए लिख देना यहाँ पे,
ट्रुथ टेबल फोर, ट्रुथ टेबल किसके लिए लिखनी है हमें, पी और क्यू एंड नेगेशन ऑफ किसका, क्यू का, और क्या दे रखा, पी। चलिए तो ट्रुथ टेबल देखना, पहला स्टेटमेंट हमारा पी, दूसरा क्यू, इन दोनों का क्या निकालना, और निकालना, क्या निकालना मतलब हमें पी और क्यू निकालना, नेगेशन किसका निकालना, क्यू का, इन दोनों का क्या निकालना, पी और क्यू, एंड क्या निकालना, नेगेशन ऑफ क्यू है ना, और लास्ट वाले में सारा निकालना हमें, पी और क्यू एंड कितना, नेगेशन ऑफ क्यू इंप्लाइज कितना, इंप्लाइज कितना, पी। लास्ट तक ये टेबल ये, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स, भाई ये वैलिड हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था, ठीक है, इसे वैलिड दिखाने के लिए गिवन स्टेटमेंट, ये वैलिड दिखाने के लिए वो लास्ट वाला कैसा होना चाहिए, आना चाहिए टोटोलॉजी आना चाहिए, पी और क्यों निकालना, ट्रू ट्रू ट्रू, एक भी ट्रू है तो क्या आता है, ट्रू, और मैं तो एक भी ट्रू है तो क्या आता है, ट्रू, दोनों ही फॉल्स है तो क्या आता है, फॉल्स, नेगेशन किसका, क्यू का, ट्रू का क्या जाएगा, फॉल्स, फॉल्स का ट्रू का, फॉल्स का ट्रू। अब दोनों का एंड निकालना, एंड में मतलब दोनों ट्रू होते हैं तो ट्रू आता है, दोनों ये तो कैसा आएगा, दोनों ट्रू है तो ट्रू, फॉल्स आएगा ना, और क्या आएगा, फॉल्स। अब क्या निकालना हमें, इसका किसके साथ निकालना, पी के साथ निकालना। तो एक बात तो बताओ, बस टी एफ ही फॉल्स आता है ना, यदि टी है और एफ है तो क्या आता है, फॉल्स इंप्लाइज वाले में। तो अब बताना जरा, इसका किसके साथ, पी के साथ, एफ टी कितना आएगा, ट्रू टी टी ट्रू टी, नहीं नहीं एफ फॉल्स फॉल्स क्या आएगा, ट्रू ट्रू, तो कैसा हो जाएगा, वो वैलिड हो जाएगा। तो लिख देंगे हेंस गिवन आर्ग्यूमेंट इज वैलिड, ठीक है, हाँ करिए बनाइए। आखिरी लाइन में ये लिख देना सेंस, मेरे पास उन्होंने क्या लिखना, सेंस पी और क्यू एंड, मतलब इस सारे को लिख के इस टोटोलॉजी, सेंस ये क्या है, टोटोलॉजी है, हेंस गिवन आर्ग्यूमेंट इज वैलिड। चलिए 51 एग्जांपल देखिए, ऐसा ही है ये भी, देखिए एग्जांपल नंबर 11 में, चेक द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट, इस एक हमें आर्ग्यूमेंट दे रखा है, इसकी वैलिडिटी चेक करनी, मतलब देखना वैलिड है या इनवैलिड है। शो दैट विद द यूज ऑफ सिंबॉलिक नोटेशन, तो ये हमें दे रखा है इन्होंने, कोई आर्ग्यूमेंट दे रखा, तो एक तो ये स्टेटमेंट दे रखा सॉल्यूशन में, पहले स्टेटमेंट को हम क्या मान लेते हैं, चलिए पी मान लिया, पी क्या दे रखा है इन्होंने, एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर, और ये क्या दे रखा हमें, क्यू क्या दे रखा है, एक्स बराबर वाई, तो सिंबल में लिखना इसको, भाई ये पी है, ओनली इफ, ओनली इफ का मतलब होता है इम्प्लाइज, एक होता है इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ का मतलब तो ये होता है, और ओनली इफ का मतलब ये होता है, ठीक है। तो सिंबल में लिखना इसका क्या जाएगा बताना, ये पी है ना,
और ये इम्प्लाइज कितना, पी इम्प्लाइज कितना क्यू, फिर ये बताना कौन है क्यू, ठीक है। और कॉन्क्लूजन क्या निकला, कॉन्क्लूजन क्या निकला पी, ये क्या होते हैं हमारे एस प्रीमाइज, और ये भी क्या एस प्रीमाइज, और ये क्या होता है हमारा कॉन्क्लूजन। तो इसका देखिए क्या दिखाना पड़ेगा हमें, तो लिखेंगे the given argument will be valid, the given argument will be valid होगा, कब होगा, if यदि बताना P implies Q and Q implies इस क्या आ जाए, तो हमें क्या बनानी पड़ेगी इसकी ट्रू टेबल, तो लिख देंगे क्या दी ट्रूथ टेबल किसके लिए निकालनी, P implies Q and Q implies P की ट्रूथ टेबल निकाल लो, चलो इसकी क्या निकाली इसकी ट्रूथ टेबल, और यदि ये टोटोलॉजी आ गया तो गिवन आर्ग्यूमेंट कैसा हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। तो पहले तो मुझे क्या लेना है इसमें, पी स्टेटमेंट लेना, पी के बाद क्या लेना क्यू लेना, क्यू के बाद बताना भाई पी इम्प्लाइज क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू, वैसे क्या नाम है इसका कंडीशनल, फिर बताइए पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू, लास्ट वाला बता दीजिए P implies Q and Q implies P, यदि ये टोटोलॉजी आ गया तो कैसा हो जाएगा, ये वैलिड हो जाएगा। चलिए तो बताइए ये क्या हो सकता है, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स, अच्छा सॉरी ट्रू ट्रू है, ट्रू ट्रू, चलो वैसे लिख दो जैसे हम लिखते थे पहले, फिर क्या लिखते थे ट्रू फॉल्स लिखते थे, फॉल्स ट्रू हम इस क्रम से लिखते थे, तो ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। तो P implies Q, TT, P implies में क्या आता है True, F, False, तो TT T नहीं आएगा क्या, TF ही आएगा बस False, बाकी सब क्या आएंगे True आएंगे, इसका एंड किसके साथ निकालना Q के साथ, TT, T, F, F, F आएगा टी टी, टी आएगा फॉल्स आएगा, इसका इम्प्लाइज किसके साथ पी के साथ, टी 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 एफ टी 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 एफ फॉल्स कितना आएगा ट्रू, सिंस ठीक है सिंस लिख देंगे, फिर ये स्टेटमेंट लिखेंगे इज नॉट टोटोलॉजी, भाई टोटोलॉजी थोड़ी है ये, तो क्या लिखें सिंस पी इंप्लाइज क्यू एंड क्यू इंप्लाइज पी इज नॉट टोटोलॉजी, हेंस द गिवन आर्ग्यूमेंट इज इनवैलिड,
या नॉट वैलिड कह दू। चलिए पढ़ेंगे लॉ ऑफ ड्यूलिटी। ठीक है, लॉ ऑफ ड्यूलिटी क्या होती है? टू स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास, पी एंड क्यू आर सेट टू बी ड्यूअल। ठीक है, ऑफ ईच अदर इफ आइदर वन कैन बी ऑब्टेंड। ठीक है, फ्रॉम अदर बाय रिप्लेसिंग। एंड को तो किससे रिप्लेस करना? और से, और को एंड से, ट्रू को फॉल्स है, फॉल्स को ट्रू से रिप्लेस कर दीजिए तो हमें उसका क्या मिल जाएगा? ड्यूल मिल जाएगा। जैसे ये स्टेटमेंट दे रखा हमें, फाइंड द ड्यूल ऑफ द फॉलोइंग, तो हमें क्या निकालना है इनका? ड्यूल निकालना। तो सॉल्यूशन देखना, द ड्यूल ऑफ द फॉलोइंग आर, ए का बताना क्या आएगा, और की जगह क्या रिप्लेस करना, एंड, एंड की जगह क्या करना, और। समझ में आया? बी में बताना इसका ड्यूल निकालना हमें, पी और क्यों नहीं आ जाएगा, एंड आ जाएगा, फॉल्स नहीं आ जाएगा, ट्रू को किस में बदलना पड़ेगा, फॉल्स में बदलना पड़ेगा। सी देखना भाई, नेगेशन, पी एंड क्यों नहीं आ जाएगा, एंड का क्या जाएगा, और पी इसका क्या जाएगा, एंड नेगेशन पी और एस। नहीं, नेगेशन नहीं चेंज करती, बस क्या एंड को और को एंड, ट्रू को फॉल्स। इसके बाद हेडिंग लिखिए प्रिंसिपल ऑफ ड्यूलिटी। इट स्टेट्स दैट एनी टू स्टेटमेंट्स आर इक्वल देन देयर ड्यूल आर आल्सो इक्वल। दो स्टेटमेंट्स यदि इक्वल है तो उनके ड्यूल भी कैसे होते हैं? इक्वल ही होते हैं। फिर एग्जांपल 53 में क्या कहा? प्रूव दैट द फॉलोइंग, इनको सिद्ध करना। ठीक है, नेगेशन ऑफ किसका? पी एंड क्यू का किसके बराबर होता है? नेगेशन ऑफ पी एंड का क्या हो जाएगा? और नेगेशन ऑफ क्यू। बी पार्ट में क्या सिद्ध करना? नेगेशन ऑफ किसका? पी और क्यू का किसके बराबर आएगा? नेगेशन ऑफ पी और का क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। ठीक है, भाई ट्रू टेबल नहीं बना सकते क्या इसकी? ट्रू टेबल से कर देंगे हम, ए सिद्ध करेंगे तो ट्रूथ टेबल फोर किसकी? नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू इज इक्वल टू नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू। टेबल में इसका मान निकाल दो, इसका मान निकाल दो, दोनों के दोनों कैसे दिखा दो? सेम दिखा दो। ठीक है, तो इसमें हमें पी और क्या लेना पड़ेगा? पी और क्यू। P, Q और फिर क्या निकालना उनका? फिर क्या निकालना उनका? एंड, एंड के बाद क्या करना उनका? नेगेशन P एंड Q, फिर क्या निकालना हमें? नेगेशन ऑफ P, फिर क्या निकालना? नेगेशन ऑफ Q और फिर क्या निकालना हमें? उन दोनों का और निकालना। तो कौन कौन सी टेबल सेम आनी चाहिए? ये वाली और ये वाली कैसे आनी चाहिए? सेम आनी चाहिए। कर लोगे?
बनाओ, बना लो, ऐसे भी पार्ट हो जाएगा। इसमें इसका मान निकल रहा तो ये वाली इसके बराबर आनी चाहिए, तो जब ये बराबर जाएंगी तो लिख देना सिंस फोर्थ एंड कौन सी सिक्स कॉलम आर सेम, ठीक है, हैंस हैंस करके ही बराबर लिख देना। सेकंड भी कर लेना, ये कर लिया भाई, सेकंड टेबल बना दोगे। नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ो, एग्जांपल 54, राइट द शेड्यूल ऑफ द फॉलोइंग। एग्जांपल कौन सा इसके बाद 54, इनके ड्यूल लिखने केवल, लिख दोगे ना भाई क्या दे रखा है ना, पी दे रखा एंड टी दे रखा एंड एफ दे रखा और पी डैश दे रखा इज इक्वल टू एफ, इसका ड्यूल लिखना। तो ड्यूल का रूल मैंने बता चुका, पी और ट्रू का फॉल्स और ट्रू हो जाएगा एंड पी डैश बस पी डैश ही रहेगा, ठीक है, और इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ट्रू। तो इसके चारों पार्ट हो जाएंगे। तो एक्सरसाइज सेकंड के सब क्वेश्चन लगभग इसी के जैसे हैं, ठीक है, तो इनको भी करना, ठीक है। तो एक्सरसाइज सेकंड के ज्यादातर क्वेश्चन हो जाएंगे, उन्हें करके देखिए, बाकी कल करते हैं। तो